तो गाइस आज मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे कायरन फार्म कैसे बना सकते हैं, वेरी इजी और एफिशिएंट है। और गाइस इसके लिए पहले आपको 7 ब्लॉक्स हाई चले जाना है सिंपली, फिर उसके बाद 4x4 का प्लेटफॉर्म बनाना रहता है। फिर उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को गाइस सिंपली आपको 2 ब्लॉक्स हाई ग्लास से कवर कर देना है। गाइस इस फार्म को आप 150 ब्लॉक या 100 ब्लॉक्स दूर बनाएगा बिजली से, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो फिर फार्म वर्क नहीं करेगा गाइस। फिर ग्लास लगाने के बाद आपको सिंपली विलेजर ला लेना है, उसमें 10। बस आपको वो वाला विलेजर नहीं लाना है जो कोई काम नहीं करना, ग्रीन शर्ट वाला। फिर उसके बाद विलेजर लाने के बाद आपको सिंपली ऐसे प्लेटफॉर्म बना देना है। इसमें देखिए गाइस, पहले तो पूरा अंदर का कवर कर देना, फिर साइड साइड से एक और लेयर बढ़ा देना है। देख सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, साइड से एक लेयर बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको बेड्स लेने हैं, और गाइस आपको सिंपली बेड्स लगा जाना है। और आपको देखना है गाइस कि शुरू के 10 बेड्स से विलेजर्स कनेक्ट हो, नहीं तो फिर फार्म वर्क नहीं करेगा। फिर 10 बेड्स के बाद आप आराम से बिना किसी टेंशन के बेड्स लगा सकते हैं। 20 बेड्स लगाने आपको टोटल। फिर उसके बाद जो नीचे वाले ब्लॉक्स हैं उसको सिंपली ब्रेक कर देना है सबको। फिर गाइस ब्रेक करने के बाद आपको आ जाना है और यहाँ पर 10 फ्लैचिंग टेबल्स लगा देना है, ऊपर वाला ग्लास तोड़ के, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर गाइस 10 फ्लैचिंग टेबल्स लगा देना है। फिर उसके बाद सिंपली आ जाना है बेड्स के ऊपर और 8x8 का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देना है। फिर गाइस से प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर एक लेयर बाउंड्री बना देना है सिंपली एक सॉलिड ब्लॉक्स की लेयर से। और देख सकते हैं कि अभी एक आयरन गोलम स्पॉन हो गया, यानी कि फार्म 100% वर्किंग है। फिर गाइस एक लेयर बनाने के बाद आपको आ जाना है एक कॉर्नर पे किसी, और सिंपली एक एक ब्लॉक लगा देना है वहाँ पर। और फिर नीचे एक ब्लॉक लगाने के बाद गाइस अब आपको अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए पहले 3 ब्लॉक, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक, फिर यहाँ पर एक वाटर वाटर बकेट, फिर यहाँ पर सिंपली यहाँ से 5 बकेट डाल देना है। आपको बस लास्ट वाले ब्लॉक पे नहीं डालना है गाइस, इस बात का ध्यान रखना। फिर दोनों साइड ऐसे कर देना है, फिर देख सकते हैं कि आरम गरम एक किनारे आ जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पर फिर से 3 ब्लॉक्स हाई लगा देने हैं सिंपली 3 ब्लॉक्स। फिर उसके बाद ये होने के बाद आपको इस सिंपली इसको बंद कर देना है, या आपका जो वाटर अनलिमिटेड वाटर सोर्स था। फिर गाइस इसको बंद करने के बाद आपको अपने आयरन गरम, फिर आपको यहाँ सिंपली लीव्स बिछा देने हैं गाइस, और लीव्स सही से बिछाइएगा, क्योंकि अगर लीव्स नहीं बिछाएंगे गाइस तो वहाँ पर और कोई मॉब स्पॉन हो जाएगा, फिर आयरन गरम उसको मारने के चक्कर में जलेगा नहीं, या फिर यहाँ पर भी इन बॉक्स पे भी आयरन गरम स्पॉन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली आयरन गरम को पहले मारना होगा गाइस। फिर आयरन गरम को मारने के बाद यहाँ का सिंपली एक ब्लॉक डिक करना है, फिर यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है, और फिर यहाँ पर एक चेस्ट लगाना है ताकि आपका जितना भी आयरन है वो हॉपर्स के थ्रू, फिर यहाँ पर एक छोटा सा मतलब ब्लॉक से बना के यहाँ पर सिंपली क्राउच होके चेस्ट लगा देना है जो चेस्ट से कनेक्टेड हो, और उसके बाद जो एक और हॉपर लगाएंगे वो इससे कनेक्टेड होना चाहिए। फिर ये उतना होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ग्लास लगा देना है, और अपने चेस्ट वाले ब्लॉक के ऊपर भी आपको ग्लास लगा देना है सिंपली गाइस। फिर इतना होने के बाद आपको आ जाना है अपने इस साइड, और फिर इस आयरन गोलम को भी फिर से मारना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फार्म है। फिर गाइस आपको लेना है साइन बोर्ड, और जैसे कि मैं लगा रहा हूँ या फिर सिंपली लगा देना है। फिर एक लावा बकेट लेना है, यहाँ पर डालना है सिंपली। फिर लावा बकेट के बाद यहाँ पर आप कैंप फायर प्लेस कर दीजिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर कैट भी स्पॉन होती है तो आपको स्ट्रिंग भी मिलेगा, तो फिर कैट को मारने के लिए आपको कैंप फायर प्लेस, जैसा कि आप देख सकते हैं कैट स्पॉन हो गई है, तो आपको कैंप फायर प्लेस कर देंगे तो मर जाएंगे कैट गाइस। फिर उसके बाद आपको आ जाना है नीचे गाइस, देख सकते हैं फार्म। फिर उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर, और जो सभी ये जो है इनका छत को सिंपली आपको लगा देना है ओक लीव्स पूरे में गाइस, ताकि यहाँ भी कोई मॉब स्पॉन ना हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरे फार्म। फिर गाइस ओक लीव्स लगाने के बाद आपको आ जाना है ऊपर, और देख सकते हैं कैसे कैट स्पॉन होंगे, फिर धीरे से आयरन गोलम स्पॉन होंगे, देख सकते हैं आयरन
बार में स्पॉन हो रहे हैं गाइस। और फिर सिंपली आपको पूरे को स्लैब से भी कवर कर देना, थोड़ा अच्छा लुक आएगा। फिर ऊपर गए जहाँ आपने लीव्स लगाए थे उसकी जगह स्लैब लगा दीजिएगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही है कि लीव्स बर्न हो जा रही है। फिर गए स्लैब लगाने के बाद देख सकते हैं ये फार्म वर्किंग है पूरा, अभी भी आयरन गर्म को दे ही रहा है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़।